उत्तर प्रदेश को अगले दो साल में 9 नए एयरपोर्ट मिलने वाले हैं, लेकिन उसी हवाई अड्डे पर यूपी की सियासत में बाखवा हवाई होने लग गई है। क्योंकि जब बदायूं में केशव मौर्य ने एयरपोर्ट बनाने की बात कही तो समाजवादी पार्टी ने उसे हाथों हाथ ले लिया और केशव मौर्य के बयान पर सोशल बयानबाजी शुरू कर दी। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा, बस अड्डा तो दिया नहीं, बात हवाई अड्डे की कर रखे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए केशव मौर्य ने कहा अखिलेश यादव इन दिनों बहुत उखड़े उखड़े से हैं। वहीं जब अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को नहीं बीजेपी को हवाई अड्डा चाहिए, तो केशव मौर्य ने अखिलेश के पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता दिया। और जब सपा अध्यक्ष ने कहा बीजेपी के झूठ की उड़ान के लिए जरूरत हवाई अड्डा जरूरत नहीं जरूरी हो गई है, केशव मौर्य ने कहा जब सैफई में हवाई अड्डा बना तो बदायूं में क्यों नहीं। यानी एक बार फिर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने आ चुके हैं। रोडवेज की साहब बहुत समस्या आ रहा है। जय माता दी सर, आप बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अरे आप जनता का तो कम से कम मजाक मत उड़ाइए, विकास का कार्य कर नहीं सकते। योगी का उत्तर प्रदेश देश को संदेश दे रहा है, विकास के नए आयाम छू रहा है और तरक्की के नए पंख लग रहे हैं, क्योंकि जो 2017 से पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है, योगी सरकार में हो रहा है। और कुछ ऐसा ही दावा जब केशव मौर्य ने किया तो समाजवादियों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। रोडवेज की साहब बहुत समस्या आ रहा है। जय माता दी सर, आप बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। रोडवेज केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बस स्टैंड ही नहीं बल्कि बदायूं में एयरपोर्ट का भी निर्माण होगा, जिस पर चुटकी लेते हुए अखिलेश ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा ही बस अड्डा तो नहीं दे पा रहे और वादा हवाई अड्डे का कर रहे हैं। सच तो ये है कि आम जनता को नहीं बल्कि भाजपा नेताओं को एक हवाई अड्डे की जरूरत है, जहां से वो अपने झूठ की उड़ाने भर सके। जनता का मजाक उड़ाना निंदनीय है, बदायूं की जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। अखिलेश यादव के इस बयान पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी करारा पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ही जवाब में लिखा, जिस दिन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव ने शपथ ली है, सपा बहादुर अखिलेश यादव का पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदस्य बहुत उखड़े उखड़े हैं। सैफई हवाई अड्डा बन सकता है तो बदायूं में क्यों नहीं। यानी केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच एक बार फिर ठन चुकी है, जिसकी आवाज अब चुनावी मैदान में भी सुनाई देने लगी है। केशव प्रसाद मौर्य जी को, वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको जनता की जो मांग करती है उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। उन्होंने बस अड्डा मांगा, कह रहे हम आपको हवाई अड्डा दे देंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अरे आप जनता का तो कम से कम मजाक मत उड़ाइए, विकास का कार्य कर नहीं सकते, कोई रोजगार आप दे नहीं सकते, महंगाई आप रोक नहीं सकते, सरकार में आपकी पूंछ कहीं है नहीं, आपको कोई पूछता है नहीं, तो आप सिर्फ इस तरह हवा में बातें छोड़िए तो फिर आप खिसिया जाते हो तो जाति धर्म की बातें करने लगते हो। हालांकि जब बात हवाई अड्डों की हो रही है तो यूपी में कब कितने एयरपोर्ट बने इसे भी जानना जरूरी हो जाता है। पिछले 9 साल में एयरपोर्ट की संख्या 6 से 9 हो गई। अगले 2 साल में 9 और नए एयरपोर्ट मिलने वाले हैं। इसी महीने अयोध्या एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा। उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या 18 हो जाएगी। मतलब साफ है, योगी सरकार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है। और जब सरकार के डिप्टी सीएम बदायूं तक को नए एयरपोर्ट की बात कहते हैं तो विपक्ष को इसमें भी सियासत नजर आने लगती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और यादव परिवार के बीच में अब जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो गई है। बदायूं के मामले में जब उप मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे की बात कही थी तो उस पूरे मामले को अखिलेश यादव ने न सिर्फ ट्वीट किया था बल्कि उनके पूरे परिवार के लोग उप मुख्यमंत्री के ऊपर लगातार राजनीतिक कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर से कहा है कि मध्य प्रदेश में यादव बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब पीडीए के पैर उखड़ गए हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी अब अपने ही बुने जाल में फंसने लगी है, या फिर 24 के चुनावी रण में सोशल मीडिया से ही बयानबाजी करते रह जाएंगे, जिसका परिणाम पिछले चुनाव में भुगत चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।